देवेंद्र फडणवीस के निशाने पर शरद पवार, कहा वोट बैंक की राजनीति छोड़ आतंकवाद की निंदा करें। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग का असर भारत पर भी हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर देश में जमकर सियासत हो रही है। वहीं अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधा। बुधवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद पर कहा कि एनएसपी प्रमुख शरद पवार को इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय आतंकवाद की कड़ी निंदा करनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भीषण युद्ध के समय वोट बैंक की राजनीति से दूर रहना चाहिए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो एनएसपी प्रमुख शरद पवार से अनुरोध करते हैं कि इस समय वोट बैंक की राजनीति के बारे में ना सोचे बल्कि आतंकवाद की कड़ी निंदा करे। डिप्टी सीएम ने कहा, पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने कहा था कि हमास इजराइल युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए विचार से अलग स्थिति बताते हैं।